Assalamualaikum guys. इस वक्त मैं शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। मैं और लाइबा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं सिनसिनेटी, जो कि ओहायो स्टेट में आता है, और कुछ घंटों की ड्राइव है। और अगर बाय एयर जाएँ तो और भी छोटा हो जाता है सफ़र और आसान हो जाता है। और हम लोग वहाँ जा रहे हैं लाइबा की ENT की अपॉइंटमेंट के लिए। और बस ये सब सोच के मेरे जहन में पाकिस्तान को मैं कंपेयर कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर पे जाना होता था तो हर गली के कोने पे एक डॉक्टर मौजूद होता है, नहीं तो आपके अपने शहर में होता है, आप आराम से उसके पास चले जाएं। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर पे जाने से पहले आपके हाथ में पैसे होने चाहिए, आपको उसकी फ़ीस राइट अवे वहाँ पर देनी पड़ती है, जो कि वहाँ पर एक आम सी बात है, हर किसी को पता है डॉक्टर पे जाएंगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे। बट इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने डॉक्टर पे जाना होता है तो हमें पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है। यहाँ पे दो दो तरह की अक्सर हेल्थ इंश्योरेंसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइबा के पास दो डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, एक नहीं कवर करती तो दूसरे कवर कर लेती है पूरे बिल को, और अगर एक थोड़ा सा कवर करे तो दूसरा बकिया का उसका जो बैलेंस है वो पे कर देती है। तो इसलिए पैसे की बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं होती कि बिल कैसे होगा, डॉक्टर कैसे होगा। यहाँ पर आप किसी भी हॉस्पिटल में आंखें बंद करके चले जाएं, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल है या बड़ा हॉस्पिटल है या क्या जैसा भी है, आपको पैसों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। तो बट पाकिस्तान में पैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको कहीं भी जाने से पहले, इवन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, सर्जरी, कुछ भी करने से पहले, बंदा मर भी रहा हो तो भी सब उससे भी पहले आपको पैसा चाहिए होता, अदरवाइज़ वो बेचारे की जान भी नहीं बचाते। बट इस लिहाज से यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई सड़क के ऊपर पड़ा है, किसी के एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो फौरन एम्बुलेंस आएगी, उसको लेके जाएगी हॉस्पिटल, पूरी उसकी जान बचाई जाएगी। तब जाके घर वालों को पता चलेगा कि ओह क्या हुआ है, और जब वो बंदा स्टेबल कंडीशन में होपफुली आ जाएगा तब जाके घर वालों को पता चलता है कि क्या क्या कुछ हुआ, और तब भी उन्हें बिल की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हर बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और जो कि उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करती है। तो इस तरह बहुत से लोगों की जान बच जाती है, बिल के इंतज़ार में उनकी जान नहीं चली जाती है। और इस वक्त जनाब हम लोग एयरपोर्ट पे चल चल के काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए इतना लंबी राहदारियाँ और कॉरिडोर्स बने होते हैं एयरपोर्ट्स पे कि चल चल के, और स्पेशली अगर बच्चा हो तो वो तो बिल्कुल ही थक जाते हैं वहाँ तक पहुँचते। इसलिए अक्सर लोग ज़बरदस्ती के हैंडीकैप बच जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह उन्हें इतना लंबा चलना नहीं पड़ता और आसानी से वो अपने गेट पे पहुंच जाते हैं जहां से उनके जहाज़ ने डिपार्ट करना होता है। तो हम लोग भी जनाब फाइनली होपफुली अपने गेट के करीब अब पहुंचने ही लगे हैं। हमारा गेट नंबर है L24, जो कि बिल्कुल आखिरी है इस लाइन में, लास्ट वाला है हमारा। अमेरिका की हर बड़ी एयरलाइन का अपना एक टर्मिनल है, और आज हम लोग अमेरिकन एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं इसलिए हम अमेरिकन एयरलाइन के टर्मिनल पर मौजूद हैं। इसलिए आपको यहाँ पे सारे एक जैसे अमेरिकन एयरलाइन के ही प्लेन दिखाई दे रहे हैं। लकीली हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम हैं, और ये जो सामने लाइन लगी हुई है ये हमारी ही फ़्लाइट की बोर्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो बस अब हम यहाँ पे अपनी बारी का अब इंतज़ार करेंगे। इस दफ़ा कोविड की वजह से रेंट अ कार की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, इसलिए मैंने सिनसिनेटी में कार रेंट नहीं की, वरना तो यूजुअली मैं एयरपोर्ट से ही गाड़ी रेंट कर लेती हूँ, जिसमें मुझे होटल जाना होता है और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाना होता है बस। बट इस दफ़ा जब मैंने रेंट अ कार की प्राइसेस देखी तो मुझे एक दिन का किराया ही 12-13 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ रहा था, जो कि यहाँ का ऑलमोस्ट $125 बनते हैं। तो मैंने हॉस्पिटल की सोशल वर्कर से बात की और उसको बताया कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं मुझे कोई अल्टरनेट ऑप्शन दो। तो उसने कहा कि हम अपना ड्राइवर भेज देंगे, वो तुम्हें इधर से उधर जहाँ भी जाना होगा वो ले जाएगा। तो इस तरह मुझे काफ़ी आसानी हो गई है इस ट्रिप में। वो हमें पिक करेगी एयरपोर्ट से, और जहाँ पर आज रात हमने होटल में रहना है उस होटल में ड्रॉप ऑफ करेगी। और ज़्यादातर तो हम लोग ख़ुद वो जो वहाँ पे होटल जिसमें रात गुजारनी होती है वो हम ख़ुद अपना लेते हैं, बट इस दफ़ा हॉस्पिटल ने फ्री में हमें होटल नाइट दी है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट दी है आज रात।
तो हम लोग उस होटल में जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो मुझे कुछ भी मेरा कुछ ज़ाती ख़र्चा नहीं हो रहा है इसमें। मुझे जो एयरपोर्ट से होटल तक की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हॉस्पिटल दे रहा है। इस सारे तरीके से कितनी आसानियां हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। वो समझते हैं कि आप इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में, तो इसके लिए वो आपको हर तरह से अकोमोडेट करते हैं और इनक्रेज करते हैं ताकि आइंदा भी आप इलाज के लिए उनके हॉस्पिटल में आते रहें। तो जनाब, हमारे आज की फ़्लाइट की जो फ़्लाइट अटेंडेंट यानी कि एयर होस्टेसेस हैं दो, एक तो ये हैं आंटी जी जो सामने नज़र आ रही हैं और एक और जो आपने देखी होंगी थोड़ी देर पहले छोटे छोटे बालों में एक ब्लैक ग्लासेस लगा के, तो वो हैं। और इन दोनों को देख के मुझे बिल्कुल वो उमर शरीफ के वो जोक याद आ रहे हैं जो कि उन्होंने PIA की एयरलाइन के बारे में कहे थे कि बाहर अगर आप वेटिंग रूम में खड़े हों तो बड़ी प्यारी सी अंदर से आवाज़ आती है कि लगता है कि पता नहीं कितना खूबसूरत सी अंदर और पता नहीं कैसी अच्छी सी लड़की होगी एयर होस्टेस के लिए यंग सी, बट अब अंदर जब जाते हैं जहाज़ के तो आपको इसी तरह की आंटियाँ मिलती हैं एज़ अ एयर होस्टेस। तो इन लोगों को देख के मुझे बिल्कुल वो वाले जोक याद आ रहे हैं। एनीवेज, फाइनली हमारे जहाज़ ने मूव होना शुरू किया है और ये जो आपको इस वक्त सामने नज़र आ रहा है ये सब शिकागो के बिजी एयरपोर्ट के सारा रनवे है। और यहाँ पे आप देखें कितने सारे जहाज़ आपको नज़र आएंगे, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एयरपोर्ट कितना बिजी है। और आज आसमान का कलर देखें आप, बादल देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में हम लोग इन्हीं बादलों में हमारा जहाज़ छुप जाएगा और हम ऊपर होंगे और बादल हमसे नीचे होंगे। ड्यूरिंग फ़्लाइट कुछ लोग बस बाहर देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने आईपैड पे मूवीज़ देख रहे हैं और ये वाली आंटी जो हैं ये छुप छुप के अपनी बुक पढ़ रही हैं। ये वाली सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट एयरलाइंस के जहाज़ हैं और इसमें से जो रेड वाला है वो टर्किश एयरलाइन है जिस पे अक्सर हम लोग पाकिस्तान भी जाते हैं। और लग रहा है कि फाइनली टेक ऑफ करने लगा है। देयर यू गो, वाओ, बहुत स्पीड होती है जहाज़ की जब ये फाइनली टेक ऑफ करता है। और ये ऊपर से आप देखें शिकागो का व्यू कैसा लगता है। इस वक्त मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ यहाँ के हाईवेज़ का। और देखें इस वक्त सुबह का टाइम है इसलिए काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी रश आवर है इस वक्त, लोग जॉब्स पे जा रहे हैं और काफ़ी ट्रैफिक है। और हम लोग बादलों से आहिस्ता आहिस्ता करीब होते जा रहे हैं। एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ पे माल गाड़ियों का ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे दूर दूर से सामान लोड होके आता है और जो कुछ सामान जहाज़ में लोड होना होता है तो फिर वो एयरपोर्ट के पास यहीं पे उसको अनलोड करके जहाज़ों में लोड करके भेजते हैं। और ये देखें यहाँ से आपको शिकागो की हाईवेज़ का एक पूरा कंप्लीट एक व्यू नज़र आ रहा है। कहते हैं कि जिस मुल्क के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि ट्रेन और जहाज़ और बाय रोड सिस्टम अच्छा होता है वो मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करता है। शायद अमेरिका की तरक्की का भी यही रीज़न हो। ये हाईवेज़ मुझे बिल्कुल एक फ़्लावर्स की तरह लग रही हैं, जैसे एक फूल की वो पत्तियां लगती हैं ना, वैसे ही इसके एग्ज़िट्स बने हुए हैं। यहाँ पे सिटी का आर्किटेक्ट ये कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जो रोड है वो लंबी लंबी सीधी सीधी जाती है, वो अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा टर्न और ज़िगज़ैग्स ना आए रोड में। और इसमें भी आपको इस वक्त यही दिखाई दे रहा होगा कि सीधी सीधी हाईवेज़ जा रही हैं बस। लग रहा है कि कुछ ही देर में हमारा जहाज़ बादलों के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप बादलों के अंदर आपका जहाज़ जा रहा होता है। ये बहुत छोटी फ़्लाइट है इसलिए ऑलमोस्ट इन 45 मिनट्स हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे।
और वहाँ से बस होटल जाएंगे और एक रात उधर रहेंगे, कल अपॉइंटमेंट करेंगे और उसके बाद कल ही हमारी इंशाल्लाह वापसी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।